आज ना ये जो मिथ है ना कि रनिंग करने से जल्दी वेट लॉस होता है या वेट ट्रेनिंग करने से, मतलब जो कन्फ्यूजन है इसको मैं आज आपको ख़त्म करके दिखाऊंगा कि और आपको पूरा एक सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ भाई क्या चीज़ बेहतर है वेट लॉस करने के लिए, ठीक है। और साथ साथ मसल बिल्डिंग में भी हम इसको थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे, बट हमारा मेन जो टॉपिक है यहाँ पे है वेट लॉस या बोल सकते हो फैट लॉस, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो टॉपिक पे जाने से पहले कुछ छोटी सी बात समझ लेते हैं। आपकी बॉडी के सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ कि आपकी बॉडी कैसे फैट को यूटिलाइज करती है। अगर आपको नहीं पता तो इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपकी बॉडी फैट को यूटिलाइज करती है। बट अब ये तो हो गया बॉडी कैसे फैट को यूटिलाइज करती है, ठीक है। अब उसमें वीडियो मैंने ये भी बताया कि यूटिलाइज करने के लिए आपको एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी या फिर आपको डाइट से कैलोरीज कट करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं एग्जाम्पल लूँगा दो बंदों का, ठीक है। अब वो जो दो बंदे हैं उनका क्या है हिसाब किताब है कि वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सेम इन द सेंस उनकी जेनेटिक्स सेम है, उनकी एज सेम है, ठीक है ना, दोनों मेल है, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ ये काम करते हैं मेल ना लेकर फीमेल लेते हैं क्योंकि फीमेल्स को ज़्यादा दिक्कत रहती है वेट लॉस करने की। तो फीमेल एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ मैं क्योंकि फीमेल्स के लिए थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वो, पता है तुमको बताऊँगा मैं ऐसा क्यों होता है। देखो अब मान के चलिए एक फीमेल ये है, ठीक है, और एक फीमेल ये है, तो ये दो फीमेल है जैसे आपको बताया दोनों का ऑलमोस्ट जेनेटिक सेम है, सब कुछ सेम है, एज फैक्टर भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज फैक्टर को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, दोनों का सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। और अब सब कुछ सेम है तो देखो तो दोनों को क्या करना है भी, दोनों को अपना ना वेट लॉस करना है, ठीक है, दोनों को वेट लॉस करना है। तो दोनों को वेट लॉस करने के लिए सिंपल सा भाई डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, वेट लॉस करने के लिए आपको हमेशा से एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एक कैलोरिक डेफिशिएंट डाइट या तो फॉलो करनी पड़ेगी या आपको कैलोरिक डेफिशिएंट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी फिजिकल एक्टिविटी से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी इंसान की बैलेंस कैलोरी है 2000, मैं हर बार इस एग्जांपल को लेता हूँ थोड़ा ईजी होता है, अगर वो इसमें से 500 कैलोरी माइनस कर दे, अब ये 500 कैलोरीज ये चाहे तो अपने वर्कआउट से कर सकता है माइनस, मतलब इतनी फिजिकल एक्टिविटी अगर इससे माइनस हो जाए, या फिर ये अपनी डाइट से कर सकता है। तो इसने क्या करा, इसने 500 कैलोरी माइनस कर दी अपने डाइट से पर डे, क्योंकि इसकी क्या थी बैलेंस, तो बैलेंस कैलोरी में से इसने माइनस कर दिया अपना ये वाला नंबर। तो इसका मतलब मैंने बताया था ये वीक में इजिली 1 pound तक वेट लॉस कर सकता है, और 1 pound ऑलमोस्ट आपका ये समझ लीजिए 1/2 kg होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने बीच में लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है, इस फंडे को। अब देखो ये जो फीमेल है ये फीमेल है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इस फीमेल ने डिसाइड किया कि मैं वेट ट्रेनिंग करूँगी, ठीक है, मतलब कि वेट ट्रेनिंग करेगी, जिम जाएगी, जिम जाकर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेगी, ये कर रही है यहाँ पर वेट ट्रेनिंग, ठीक है। इस फीमेल ने डिसाइड किया कि मैं वेट ट्रेनिंग करूँगी, और इस फीमेल ने डिसाइड किया कि मैं रनिंग करूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस फीमेल ने डिसाइड किया कि करेगी रनिंग, ठीक है। अब देखो दोनों का टारगेट क्या है, पहली चीज़ तो दोनों वेट ट्रेनिंग करेंगे, दोनों रनिंग करेंगे, ठीक है, और दोनों का टारगेट ये है कि भाई हम दोनों को मिनिमम 500 कैलोरीज बर्न करनी है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी एक्टिविटी से 500 कैलोरीज यहाँ इसने बर्न करी है, सेम इन्होंने टारगेट रखा कि इतना तुम करेंगे, तो इसने भी इतनी ही करी है। अब ऑलमोस्ट कैलोरी कैलकुलेटर भी आ चुके हैं, डिवाइसेस आ चुके हैं जिसके थ्रू उन्होंने इस चीज़ को ट्रैक किया, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना भाई, इन दोनों ने इस चीज़ को कर लिया, दूसरी चीज़ इन दोनों सेम डाइट प्लान फॉलो करा, बिल्कुल सेम डाइट प्लान, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, जो डाइट प्लान उन्होंने फॉलो किया वो उन्होंने कैलोरी डेफिशिएंट डाइट प्लान फॉलो किया, मतलब उसमें भी कैलोरीज कम थी। तो मैं लिख देता हूँ सेम डाइट प्लान, बस सेम डाइट प्लान दोनों ने फॉलो किया, सेम हियर सेम डाइट प्लान, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं कैलोरीज का बताया ना, उन्होंने सेम डाइट प्लान फॉलो किया है, दोनों कैलोरिक डेफिशिएंट में, मतलब ये समझ लो इन्होंने अपनी 500 कैलोरीज यहाँ से भी कम कर दी। मैं लिख देता हूँ 500 कैलोरीज, ठीक है। अब देखो इसने 500 कैलोरी यहाँ भी कर दी, माइनस नहीं भी कर दी, तो अब ये वाला रूल तो लग जाएगा, ठीक है। अब ये वेट ट्रेनिंग भी मान लो, अगर ये वेट ट्रेनिंग भी नहीं करते तो इनका इजिली 1 pound वेट लॉस हो सकता है 1 week के अंदर, अगर ये खाली डाइटिंग करें, ठीक है, ये पॉसिबल है स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, अगर आप देखोगे तो ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर सेम अगर 500 कैलोरी एक्स्ट्रा कर दोगे तो आप वेट गेन भी कर सकते हो, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बट ये ध्यान रखना वेट गेन होगा, मसल पुट ऑन नहीं होगा विदाउट वेट ट्रेनिंग, ठीक है। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं, सेम डाइट प्लान सेम डाइट प्लान। अब देखो क्या होगा, इसने वेट ट्रेनिंग शुरू करी,
ठीक है, और इसने वेट ट्रेनिंग शुरू करी, ओह सॉरी इसने रनिंग शुरू करी, दोनों ने 500 कैलोरी का टारगेट रखा। अब हुआ क्या, जब इसने वेट ट्रेनिंग शुरू करी तो उसने क्या क्या देखा भाई, इसने वेट ट्रेनिंग करी तो उसने ऑलमोस्ट सारी कंपाउंड एक्सरसाइज करी, मतलब जो जिम में करते हैं बेंच प्रेस पुलअप्स ये सब इसने सब ट्राई करा, सब ये सब इसने अच्छे से करा। तो इसने क्या करा, इसने जिम में गई अपनी रोज इसने 500 कैलोरी बर्न करी, ठीक है सेम इसने 500 कैलोरीज बर्न करी, तो ये तो ऑलमोस्ट सेम ही रहा, दोनों ने कितनी कैलोरीज बर्न करी, ऑलमोस्ट 500 कैलोरीज। ठीक है, ये मैं आपको सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई करने के बाद बता रहा हूँ, तभी ये आपको ये मैंने चीज़ समझाई, ये मैंने कहीं स्टडीज़ में नहीं देखा, कहीं से पढ़ा नहीं, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है मेरे क्लाइंट्स के साथ जो है। तो मैंने उनको इनको वेट ट्रेनिंग कराई, इन्होंने क्या करा, इन्होंने खाली रनिंग करी, 500 कैलोरीज इन्होंने बर्न कर लिया, टारगेट हो गया। अब देखना, इन्होंने वेट ट्रेनिंग करी तो वेट ट्रेनिंग में कैलोरीज तो बर्न कर ली, दोनों ने सेम टारगेट पूरा कर लिया, ठीक है, लेकिन इनका यहाँ पर इनकी मसल्स भी ट्रेन हुई, ठीक है मसल्स भी ट्रेन हुई, और इनकी यहाँ पे मसल्स मसल इन्होंने लोअर बॉडी रनिंग करी तो लोअर बॉडी ट्रेन हुई है, तो वो भी ट्रेन हुई है, यहाँ भी मसल ट्रेन हुई है, ठीक है, बट वो इस लेवल की नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके की एंड्योरेंस एक्टिविटी है। देखो एंड्योरेंस एक्टिविटी सिंपल से मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको लॉन्ग टाइम तक कर सको उसको हम एंड्योरेंस एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो ग्रोथ होगी मसल ग्रोथ वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी, मैं लिख देता हूँ मसल ग्रोथ ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी, ऑलमोस्ट ना के बराबर, बट यहाँ पर मसल ग्रोथ होगी, क्यों, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर वेट ट्रेनिंग करी, यहाँ पर मसल पर लोड डाला है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक एंड्योरेंस एक्टिविटी करी, यहाँ पे इनकी मसल्स ना बेहतर होंगी, मतलब इनकी कंडीशनिंग होगी, बट यहाँ पर मसल्स बढ़ेगी नहीं, मसल साइज नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और कोई ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप वेट ट्रेनिंग शुरू करते हो तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो 4-5% बढ़ जाता है, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ आपका जो मेटाबॉलिज्म है 4-5% बढ़ जाता है। कौन सा मेटाबॉलिज्म, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी जो कैलोरीज बर्न कर रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया बट समझिए, जो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, मतलब जब कुछ नहीं कर रहे, लेटे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, सो रहे हो, तब भी आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है, तो वो जो कैलोरीज बर्न करने का जो प्रोसीजर वो और बढ़ जाएगा 4-5%, सिंपल सा। अब जब बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी तो बहुत, जब बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी तो क्या होगा, यही होगा कि बॉडी और ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर, और ज़्यादा वो क्या करेगी, एनर्जी लेगी बॉडी से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इसका 4-5% रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज क्या हुई, यहाँ पे इनका हार्ट ट्रेन हुआ, इस वाले केस में हार्ट अच्छे से ट्रेन हुआ, यहाँ पे हार्ट की जो आप कह सकते हो ना ब्लड ब्लड को कैरी करने की, ब्लड को पुश करने की कैपेसिटी अच्छी हो गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक्सरसाइज करी, अब ये ज़्यादा देर तक इनका हार्ट वर्क कर सकता है, जैसे एंड्योरेंस एक्टिविटी होती है, कह सकते हो स्टेमिना, यहाँ पर इनका स्टेमिना इंक्रीज हो, यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, यहाँ पर स्टेमिना इंक्रीज नहीं होगा, नहीं यहाँ भी स्टेमिना इंक्रीज होगा, क्योंकि हार्ट का तो काम ब्लड पंप करना है, तो लोड तो आप यहाँ भी डाल रहे हो, तो यहाँ भी हार्ट ट्रेन हुआ। तो अभी तो आप देखते चलना, दोनों में ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, बट अभी जब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, बट यहाँ पे क्या चीज़ कम है, अभी यहाँ पे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इतना बड़ा नहीं है, वेट ट्रेनिंग से ही जल्दी इम्प्रूव होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई अब एक चीज़ समझना कि यहाँ पर जो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट वेट ट्रेनिंग अभी भी आगे क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी के ऊपर एक लोड आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म हाई हो चुका है। अब क्या होगा इस केस में समझना, इस केस में मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इस फीमेल ने इस चीज़ को फॉलो किया ऑलमोस्ट 8 वीक्स तक, ठीक है, अगर 8 वीक्स तक किया तो 1 वीक के अंदर उसने ऑलमोस्ट 1/2 kg तक वेट लॉस कर लिया, तो 8 वीक के अंदर कितना कर ली, ऑलमोस्ट 4 kg, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑलमोस्ट 3-4 kg लिख देता हूँ, 3-4 kg इसने यहाँ पे क्या किया है, वेट लॉस, ध्यान से समझना वेट लॉस। देखो मैंने बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ आपको, वेट लॉस, इधर आ जाओ। इस फीमेल ने भी ये चीज़ 8 वीक तक फॉलो करी और इसने भी इतना कैलोरीज बर्न करी और इसने भी ऑलमोस्ट इतना वेट ड्रॉप किया, कितना, 3-4 kg, बट यहाँ पर जो उसका वेट लॉस हुआ है ना, वो वेट लॉस नहीं यहाँ पे हुआ है, फैट लॉस। क्या हुआ है, फैट लॉस, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना, आपकी बॉडी का सिस्टम कुछ इस तरीके से वर्क करता है, जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी होती है तो वो उसको यूज़ करता है एज अ सोर्स। क्यों, देखो बहुत थोड़ा सा साइंटिफिक होगा, थोड़ा बेसिक तरीके समझाता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं अभी खड़ा हूँ, मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, मैं चल रहा हूँ तो भी कुछ नहीं कर रहा, बट मेरी बॉडी इस टाइम भी एनर्जी यूज़ कर रही है, मेरी बॉडी जो इस टाइम भी जो एनर्जी यूज़ कर रही है, वो यूज़ कर रही है मेरे स्टोर्ड फैट से। क्यों, क्योंकि बॉडी क्या करती है, जब आप
आप ऐसे कह सकते हो, जब आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हो तो बिल्कुल लो एक्टिविटी पर आपकी बॉडी जो एनर्जी ले लेती है वो स्टोर्ड फैट से लेती है। तो सिंपल सा देखो, इसका यहाँ पे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ चुका था, और जब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ चुका है तो उसकी बॉडी क्या करेगी, कैलोरीज बर्न तो करेगी और, बट कहाँ से करेगी, वो स्टोर्ड से, क्योंकि उसने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, क्योंकि इसने यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे बंदा वेट ट्रेनिंग भी कर रहा है, ठीक है, वेट ट्रेनिंग कर रहा है साथ साथ मसल भी पुट ऑन हो रही है, तो इसीलिए वजह से यहाँ पे इसके फैट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, और इस केस में वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। वेट लॉस मतलब ओवरऑल लॉस। अब कैसे, यहाँ पर थोड़ा मसल भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि देखो मसल्स क्या है, मसल बेसिकली एक ऐसी लिविंग सेल है जिसको ये कह सकते हो जिसको संभाल के रखने के लिए, ठीक है, वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है, इसके बाद लोड डालना जरूरी है, ठीक है। चलो मान लेते हैं इनका वेट मसल लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इनका पहले मसल था भी नहीं इतना अच्छा, नॉर्मल मसल था जो एक नॉर्मल बंदे में होता है, ठीक है, बट इनका यहाँ पर जो वेट लॉस हुआ है ना, वो ज़्यादातर इनका ये समझ लो वाटर लॉस हुआ है, ठीक है, और थोड़ा बहुत फैट हुआ है, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वेट लॉस नहीं किया। अब इस वजह से जो इनकी फिजिक में डिफरेंस आएगा, देखो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा डिफरेंस, जो बंदा वेट ट्रेनिंग कर रहा है उसकी फिजिक में क्या डिफरेंस आ सकता है, बॉडी कंपोजिशन को ध्यान से देखो, और जो बंदा वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहा उसकी फिजिक में क्या कंपोजिशन, उसकी मतलब फिजिक में क्या डिफरेंस आएगा, तो ये देखो बॉडी कंपोजिशन दोनों, तो ये चीज़ समझ में आई। तो वेट ट्रेनिंग करने से आपका एक तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी, अब यहाँ पे बात आपकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, मसल्स ग्रो करेंगी, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि भाई मसल्स तो ग्रो कर गया, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे दोनों ने सेम टारगेट फॉलो किया, चलो वेट लॉस दोनों का सेम ही हो गया, बट कंपोजिशन तो दोनों की डिफरेंट है ना, तो ये बंदा कैसे देखने में कैसे लग रहा है और ये बंदा देखने में कैसे लग रहा है, आप क्या चाहोगे, कौन सा बंदा देखना चाहोगे, आप इस तरीके से देखना चाहोगे अपने आप को, इस तरीके से आप खुद देखो कि आप ऐसे ज़्यादा अच्छे दिखोगे, ऐसे ज़्यादा अच्छे दिखोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वेट ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और रनिंग भी ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि आपके हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपकी जब हार्ट की जो कैपेसिटी अच्छी होगी, तब आपकी जो आपका स्टेमिना अच्छा होगा, तो आपको इस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आते हैं नंबर वन की पॉइंट पे कि भाई वेट ट्रेनिंग क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर खासकर हम वेट लॉस के गोल में बात कर रहे हैं। अब देखो आपकी बॉडी का भी एक सिस्टम है, बॉडी एक हद तक ही वेट लॉस करती है, क्योंकि बॉडी के साथ ऐसा कुछ आप समझ लीजिए कि एक सिस्टम इस तरीके से बना रखा है, अगर आपकी बॉडी वेट ही वेट लॉस करती चली जाएगी आपके, और आपके पास वेट ही नहीं बॉडी पर, मसल्स ही नहीं है, तो वो बॉडी एक तरीके से अनहेल्दी वे में जाएगी। तो कोई भी इंसान जो रनिंग कर रहा है उसका जो वेट लॉस एक लिमिट तक हो सकता है इस प्रोसीजर से, ठीक है, हो सकता है वो यहाँ से आते आते 15-14% बॉडी फैट तक आ जाए, ठीक है। वैसे फीमेल्स की अगर बात है, फीमेल्स के अंदर 20-22% हेल्दी होता है, हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज होता है, वो यहाँ तक आ भी जाए मान लो, बट वो इतना दुगला पतला हो जाएगा उसको दिखेगा नहीं, मतलब उसको सूखा सा, बहुत पतली पतली लड़कियाँ नहीं हो जाती है, फैट तो खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतले पतले हाथ पैर हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट ही लॉस नहीं हो रहा होता, फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका वेट लॉस हो ही नहीं रहा, रुक जाता है एक टाइम पे आके, तब क्या होता है, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना, तो वेट ट्रेनिंग देखो पॉसिबल चीज़ है, मसल्स क्या है, मसल मैंने बताया जैसे एक लिविंग सेल है, ठीक है। अब मसल्स क्या बर्न करते हैं, कैलोरीज, ठीक है। अब आपकी बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा मसल्स बनती चली जाएंगी, उतना आपका ये रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कुछ खा भी लोगे ना एक्स्ट्रा, तो भी आपकी बॉडी इसको ईजिली बर्न कर देगी, और दूसरी चीज़ आपका जो फैट लॉस है उसका वो और ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई कौन सा इन दोनों में से बेटर है। देखो वेट लॉस अगर आपको करना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, खाली रनिंग करो। अगर आपको वेट फैट लॉस करना है तो आप ये कर सकते हो, बट अगर आपको एक ओवरऑल हेल्दी फिटनेस लाइफ चाहिए, फिट बॉडी चाहिए, तब आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। वो कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, बहुत सिंपल। आपने एग्जाम्पल, आप 1 घंटे जिम में आए हो, तो आपने 1 घंटे के अंदर 45 मिनट्स आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, और जो बाकी का जो बचा टाइम हो, चाहे आपके पास कितना भी टाइम हो, आपको अपनी इसमें लगाना, ठीक है। ये जब आप प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपकी एक तो साथ साथ बॉडी अच्छी भी होती चलेगी, फैट लॉस भी होगा, साथ साथ आपका हार्ट आपकी और आपकी मसल एंड्योरेंस वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप ओवरऑल वे से तब फिट कहलाओगे, ठीक है, क्योंकि इस केस के अंदर आपकी जो हार्ट की जो एंड्योरेंस है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप ये जो एक्टिविटी इस एक्टिव दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो ओवरऑल इन कंक्लूजन क्या है कि वेट ट्रेनिंग आपको हेल्प करती है बहुत आपके वेट लॉस करने में। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ एक चीज़ और, कुछ भी क्वेश्चन हो फिटनेस रिगार्डिंग पूछिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख ही रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉल भी कर सकते हो, अगर आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ भी आपको हो क्वेरी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।